नमस्कार मित्रों, पेट्रोल पंप चैनल में आपका स्वागत है। एक पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फायर सेफ्टी किट कंपनी द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसे हर पंप वाले को लेना ज़रूरी है। और इसमें क्या क्या आइटम रहते हैं आपको पहले बताया था मैंने, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि इनका उपयोग के बारे में बताया और ये इतना महंगा क्यों होता है और साथ में सर्टिफिकेशन कैसा रहता है, इस पर भी मैं बताऊँ। तो आज हमारे साथ में है रवि गुप्ता जी, जो इसके जानकार हैं, उन्होंने काफ़ी इसका ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो इसके बारे में पूरा बताएंगे। स्वागत है रवि जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद संजय जी। ये तीन चीज़ों से मिलकर ये बनता है ये किट। इसमें एक वाटर जेल ब्लैंकेट आता है, एक लोटो किट आता है और एक ये नॉन स्पार्किंग टूल किट आता है। ये तीनों ही चीज़ मिलकर एक किट बनती है, जिसे कंपनी सब प्रिस्क्राइब करती है और हर पेट्रोल पंप वाले को इसे रखना अनिवार्य है। मैं आपको एक एक करके इसके उपयोग बता देता हूँ कि इसके उपयोग क्या क्या हैं। जैसे कि ये वाटर जेल ब्लैंकेट है, ये 5x6 साइज का वाटर जेल ब्लैंकेट है। एक ब्लैंकेट की तरह होता है ये, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है और ये मेडिकेटेड जेल से बना होता है, जिसके मुख्यतः तीन उपयोग देखे गए हैं। एक, किसी सरफेस पर अगर आग लगी है तो आप इसे उसके ऊपर डालकर आग बुझा सकते हैं। दूसरा, अगर कहीं आग लगी है तो अपने बॉडी के ऊपर आप इसको लपेट कर रैप कर उस आग में से निकल सकते हैं। और तीसरा, अगर किसी के साथ आगजनी हो जाए तो उसके शरीर पर आप इस वाटर जेल ब्लैंकेट को डाल सकते हैं। ये मेडिकेटेड जेल होता है, उससे बना होता है, जो कि उस समय उसकी त्वचा को काफ़ी ठंडक देता है और उपचार मिलने तक उसको काफ़ी रिलीफ हो जाता है। इसका खोल किस चीज़ का बना रहता है? इसकी जो खोल है संजय जी, वो एक पॉलीकार्बन एक मटेरियल होता है, जो काफ़ी रेयर और काफ़ी महंगा होता है, जिसकी वजह से इस ब्लैंकेट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। बाजार में ये और भी सस्ते रूप में उपलब्ध है, बट उसका जो एक्चुअल यूज़ है, एक्चुअल जो उपयोग है, वो नहीं हो पाता है। तो मैं सभी से उपयोग करूँगा कि अच्छी कंपनी का और सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही यूज़ करें। सर्टिफिकेट कैसा होता है बताइए जी? इसके साथ में इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट आता है, ये देखिए आप। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जी। ये सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है कि ये प्रोडक्ट उच्च गुणवत्ता का है और कंपनी के कहने पर 2008 में एक नेवी में हमने इसका एक टेस्ट करवाया था, जिसकी ये रिपोर्ट है। विभिन्न स्थितियों में इसका टेस्ट हुआ था, जिसमें ये प्रोडक्ट पास हो चुका है। अच्छा, आग के ऊपर डाल दिया तो जी उसको कवर कर लेगा? इसमें आपको सभी उपयोग देखने को मिल जाएंगे विभिन्न परिस्थितियों में। फ्लेम रेजिस्टेंट भी है और किसी को पहना के आग में से निकाल सकते हैं जी। नेवी ने इसको अप्रूव किया हुआ है। इसमें सर्टिफिकेशन की कॉस्ट भी होगी जी? इसके साथ में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट, सर्टिफिकेशन की कॉस्ट साथ में होती है जी। इसके बाद हम चलते हैं नॉन स्पार्किंग। इसमें मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि इसकी कुछ लाइफ होती है क्या? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है संजय जी। इसकी लाइफ 5 साल की होती है। 5 साल के बाद कंपनी सजेस्ट नहीं करती कि आप इसे उपयोग करें। एक बार ये प्रोडक्ट अगर खुल जाता है, मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, इस तरह से ये पैक होकर आता है। एक बार ये प्रोडक्ट अगर खुल जाता है और आप इसे उपयोग कर लेते हैं, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज में दोबारा नहीं आ पाएगा। अच्छा, फिर बेकार हो जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें और 5 साल होने के बाद इसे चेंज कर दें जी। इसकी एक्सपायरी होती है 5 साल की। इसके बाद हम चलते हैं नॉन स्पार्किंग टूल किट की तरफ। आप देखेंगे ये अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, जो मुख्यतः पेट्रोल पंप पर यूज में आते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है दिखने में, ये देखिए आप। ये धातु कौन सी है? ये 5 धातुओं से मिलकर बनता है, जिसमें मुख्यतः टाइटेनियम, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज, एलॉय कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 5 चीज़ें और निकल।
तो इसमें कुछ धातु ऐसी हैं जो काफ़ी रेयर और महंगी होती हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा होता है। मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये आपको शॉक लगने से या करंट लगने से नहीं बचाएगा, स्पार्किंग नहीं करेगा। ये केवल स्पार्किंग नहीं करेगा, किसी भी सतह पर गिरने पर, जो कि पत्थर की, लोहे की, काई की भी हो सकती है, ये स्पार्क क्रिएट नहीं करेगा। ये नॉन स्पार्क है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी आता है? जी, इसके साथ में ये सर्टिफिकेट आता है, ये मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट होता है। ये प्रमाणित करता है इसका कंपोजिशन, मेन ये है कि किन चीजों में से ये मिलकर बना हुआ है। तो ये मैन्युफैक्चरर का कुछ ऐसा ऑथेंटिक, इस मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेट को भारत सरकार का यह CSIR जी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इसे अप्रूव करता है। मुख्य यह सर्टिफिकेट होता है जो कि हमें इसके साथ में मिलता है। ये प्रमाणित करता है कि ये किट उच्च गुणवत्ता की है और जो कंपनी ने कहा है उस पर ये खरी उतरती है। इसके साथ में ये टॉर्च किस तरह का? इसके साथ में एक ये टॉर्च आता है जो कि नॉन स्पार्किंग होता है, इसमें किसी भी तरह का चार्जिंग सिस्टम नहीं है। इसमें ये बिल्कुल सादी टॉर्च है जिसमें कोई भी स्पार्क क्रिएट ना हो पाए। आप इसको डिकेंटेशन के बाद अपने टैंकर को चेक करने के लिए और अन्य चीज़ों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। चलो, और तीसरा, तीसरे नंबर पे ये लोटो किट आती है। इसमें मुख्यतः पांच चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक एक चीज़ उठाकर आप बताएं। ये ग्लेयर्स हैं जो कि आँखों पर पहने एक बार निकाल के बताएंगे जी। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, इस तरह से ये चश्मा आता है सेफ्टी के लिए, जिसको आप कार्य करते समय अपनी आंखों पर पहन सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये कुछ टैग्स आते हैं जो बैरिकेटिंग के काम आते हैं। ये तीन लॉक्स आते हैं जो कि MCB को लॉक करने के लिए होते हैं। जब भी आपके यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क होता है किसी भी प्रकार का, उस समय ये टैग्स उपयोग में आते हैं। मतलब MCB किसी ने बंद किया और इसको लगा दिया तो चालू नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अगर ये आप कोई काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि MCB वर्क ना करे, तो आप इसके थ्रू उसको लॉक कर सकते हैं। इसके बाद में एक ये लॉकआउट सिस्टम आता है। ये कहाँ लगता है? ये आपके यहाँ पर वॉल को लॉक करने के लिए होता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप उस वॉल को इसके थ्रू, वॉल मतलब जो पेट्रोल का वॉल, जी जी, उसे आप लॉक कर सकते हैं जी। ये दो प्रोडक्ट और आते हैं जो कि केबल को लॉक करने का काम करते हैं। मुख्यतः ये जो लोटो किट है ये इलेक्ट्रिकल वर्क में यूज आती है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल वर्क होने की कंडीशन में हम इस लोटो किट का उपयोग करते हैं। ठीक है, धन्यवाद रवि जी, आपने काफ़ी सारगर्भित जानकारी दी। तो मित्रों, यह जो प्रोडक्ट्स हैं ये कंपनी ने प्रिस्क्राइब किए हैं और उच्च गुणवत्ता के हैं। हमें ज़रूर लगता है कि काफ़ी महंगे हैं, लेकिन चूंकि पेट्रोल का रिफाइनमेंट बढ़ते जा रहा है, BS6 आता है और बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें उसी तरह के चाहिए रहेंगे जो परफेक्शन पर हों। तो इसलिए इसमें कीमत ना देखें। दूसरा मित्रों, इनको आप पेट्रोल पंप पर रखें, ऐसी जगह रखें जहाँ पर ये अप्रोचेबल हों ऐसी दुर्घटना के समय में। और एक और बात कि आप अपने पूरे स्टाफ को यह वीडियो दिखाएं या फिर खुद समझकर बताएं, मेरे से नहीं तो और किसी से समझें, और भी कोई वीडियो आप चाहे तो देख लें, या फिर इससे मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन पंप पर सब लोगों को पता होना चाहिए किस चीज़ का उपयोग कैसा होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे से जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।